नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाओं के बारे में बताएंगे कि वह किस राज्य में है या किस नदी पर स्थित है, क्योंकि यह अक्सर सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए हम लोग वीडियो देखते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े। जैसा कि देख सकते हैं, पहला प्रश्न है इडुक्की परियोजना किस नदी पे है और किस राज्य में है। तो यह जो है इडुक्की परियोजना वह पेरियार नदी पे है जो केरल राज्य में पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरियार नदी केरल में इडुक्की परियोजना है। दूसरा प्रश्न है उकाई परियोजना किस नदी पे और किस राज्य में स्थित है। तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी कहाँ पर है? गुजरात में। इससे आपका एक प्रश्न और भी बन जाएगा, नदी भी आपको पता चल जाएगी। तीन नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। काकड़ा पारा परियोजना किस नदी में और किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो काकड़ा पारा जो है वो ताप्ती नदी जो कि गुजरात राज्य में पड़ती है। अगला प्रश्न चार नंबर उसको देखते हैं। कोल डैम परियोजना किस राज्य में और किस नदी पे बना हुआ है। तो इसका जो उत्तर है यह सतलुज नदी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी और हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न पाँच नंबर, गंगा सागर परियोजना किस नदी में और किस प्रदेश में स्थित है। तो गंगा सागर जो परियोजना है वह चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी कहाँ पड़ती है? आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर बना हुआ है और यह राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सात नंबर प्रश्न, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पे और किस राज्य में पड़ता है। तो जायकावाड़ी जो परियोजना है वो गोदावरी नदी में और महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, ठीक है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है इसलिए। अगला प्रश्न आठ नंबर, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे और किस राज्य में अवस्थित है। तो टिहरी बांध जो परियोजना है वह भागीरथी नदी पर बना हुआ है और यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में पड़ती है, टिहरी बांध। अगला प्रश्न नौ नंबर, तिलैया परियोजना किस नदी पे और किस राज्य में स्थित है। तो तिलैया परियोजना जो है वह बराकर नदी पर बना हुआ है और बराकर नदी आपकी कहाँ पड़ती है? यह झारखंड में पड़ती है। तो इसका उत्तर होगा बराकर नदी झारखंड। दस नंबर प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पे और किस राज्य में स्थित है। तो तुलबुल परियोजना जो बनी है वो झेलम नदी पर बनी है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, तुलबुल परियोजना, ठीक है। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं ग्यारह नंबर, दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी पे बना हुआ है और किस राज्य में है। तो दुर्गापुर बैराज योजना जो है वह दामोदर नदी पर बना हुआ है जो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में पड़ती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे बना हुआ है और किस राज्य में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना जो है वह चिनाब नदी पे बना हुआ है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, नागपुर शक्ति परियोजना किस नदी पे बना हुआ है और किस राज्य में पड़ता है। तो नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो है वह कोराडी नदी में बना हुआ है और यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न चौदह नंबर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में। तो इसका जो उत्तर होगा, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बना हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पंद्रह नंबर उसको देखते हैं, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में पड़ता है। तो नाथपा झाकरी परियोजना वह सतलज नदी पर बना हुआ है और यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नाथपा झाकरी। अगला प्रश्न है, पंचेत बांध किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में पड़ता है। तो पंचेत बांध जो है यह दामोदर नदी बना हुआ है और यह झारखंड राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं सत्रह नंबर, पोचम्पाद परियोजना किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में स्थित है। तो पोचम्पाद जो परियोजना है वह महानदी पर बना हुआ है और यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न अठारह नंबर, फरक्का परियोजना किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में पड़ता है। तो फरक्का परियोजना जो है वह गंगा नदी पर बनाया गया है और यह
पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर, बाणसागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है और किस सागर राज्य में पड़ता है? तो इसका जो उत्तर होगा, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न 20 नंबर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में पड़ता है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह सतलज नदी पर बना हुआ है और यह पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग, भीमा परियोजना किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में अवस्थित है? तो भीमा परियोजना जो है वह पवना नदी पे बना हुआ है जो कि पवना नदी तेलंगाना राज्य में पड़ती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया पवना नदी तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं 23 नंबर, रणजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर पड़ता है और किस राज्य में? तो रणजीत सागर जो बांध परियोजना है वह रावी नदी में पड़ता है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। ठीक है, रावी नदी जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है 24 नंबर, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, राणा प्रताप सागर परियोजना वो चंबल नदी पर बनाया गया है जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, सतलज परियोजना किस नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में? तो सतलज परियोजना जो है वह चिनाब नदी पर बनाया गया है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, उसको देखते हैं हम लोग, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में पड़ता है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वह नर्मदा नदी बनाया गया है जो कि नर्मदा नदी गुजरात में पड़ती है। अगला नंबर प्रश्न 27 नंबर, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी बनाया गया है और किस राज्य में है? तो हीराकुंड जो बांध परियोजना है वह महानदी बनाया गया है और यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।